साथियों, वर्तमान जो समय चल रहा है वो वास्तव में लोगों को तो लगता है ये चुनावी मेला है। किसी को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी को जिताया जाए, किसी को लगता है कांग्रेस को जिताया जाए, किसी को लगता है बसपा को जिताया जाए, किसी को लगता है सपा को जिताया जाए, और सब चुनावी मेला में लगे हैं। सब अपने अपने समर्थकों का सहयोग करने जिस भी रूप से कर सकते हैं उस रूप से कर रहे हैं, क्योंकि हम सभी बजरंगी हैं और सभी धर्म योद्धा हैं। तो जिस ओर धर्म की बात होगी, हमारा संघर्ष और हमारा समर्थन केवल उसी पार्टी को होगा। अयोध्या में राम मंदिर नहीं, अभी बहुत सारे मंदिर ऐसे हैं जो पिछले समय में मुसलमान आतंकवादियों द्वारा तोड़े गए थे, जिनको पुनः मस्जिद से हटाकर और मंदिर बनाएगी तो कौन बनाएगा मंदिर, क्योंकि और किसी से उम्मीद दिखती नहीं है। और उसमें भी एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है कि जिस प्रदेश में हम और आप रहते हैं, यानी उत्तर प्रदेश, या कह सकते हैं उत्तम प्रदेश, उस उत्तर प्रदेश की जो कमान है वो माननीय योगी आदित्यनाथ जी के लिए इसके हाथों में है। और अगर ऐसे व्यक्ति का इस समय में हम सहयोग नहीं करेंगे तो आने वाले समय में, मैं आपको बता दूं, इस अलीगढ़ के अंदर राष्ट्रवाद की बात होगी या नहीं होगी ये आने वाली सरकार तय करेगी। और सरकार अगर कोई हिंदू विरोधी आती है या सनातन विरोधी आती है तो हालात जो 2017 में थे वो दोबारा शुरू हो जाएंगे अलीगढ़ में, क्योंकि हम संकल्प लेके अपने घर से निकले हैं। हो सकता है कि यहाँ जो प्रत्याशी है वो हमारे मन का ना हो, लेकिन जो ऊपर कमान है वो हम सबके मन की है। तो मुझे आप सब बताइए, क्या इस संघर्ष की वेला में जब सब चाहते हैं कि हमारे विचार की सरकार बने तो क्या हम लोगों को घर बैठ जाना चाहिए? नहीं। तो क्या करना चाहिए? वोट डालना है और वोट डलवाना है और भारतीय जनता पार्टी को ही डलवाना है। मेरा वोट, मेरे परिवार का वोट, या मेरे फोन में जो मेरे रिश्तेदार हैं या मेरे दोस्त हैं, हम हर जगह कैंपेनिंग नहीं कर सकते, लेकिन फोन तो कर सकते हैं। ऐसा मन बनाइए कि मैं दिन में 5 लोगों को सुबह फोन करूंगा कि तुम्हें अपने जो भी तुम्हारा कोल क्षेत्र आता है, शहर आता है या जो भी आता है, वहाँ भारतीय जनता पार्टी से जो प्रत्याशी खड़ा हुआ है उस प्रत्याशी को हमें वोट डलवाना है। जहाँ हम खड़े हैं यहाँ का नेतृत्व तो, जो यहाँ पूर्व नौजवानों का रैला है और ऐसा रैला पूरे अलीगढ़ में है। इस रैले का आप भी हिस्सा बनिए और 2022 में 10 फरवरी को कमल के फूल पर मोहर लगाकर भारतीय जनता पार्टी को विजय बनाए। जय श्री राम। Yeah.
और बजरंग बली के साथी कौन कौन बनना चाहते हैं? कहते हैं कि समझदार के लिए सारा ही काफी होता है। जो कोई भी साथी बनना चाहते हैं बजरंग बली के, वो प्रेम से अपने अपने हाथ भरे एकदम ऊपर की ओर और कहना है क्या कि बेदोरे पुरानो लेके है जाना राष्ट्रवाद की विजय कराएं। राष्ट्रवाद की विजय कराएं। जय जय श्री राम।